कांग्रेस सेवा दल के विस्तार और कार्यकारिणी के गठन को लेकर संभाग प्रभारी एवं समन्वयक अपने अपने क्षेत्रों में बैठक लेकर जानकारी जुटा रहे हैं। अजमेर शहर सेवा दल की बैठक लोहागल रोड स्थित कायस्थ भवन में आयोजित की गई, जहां अजमेर संभाग प्रभारी एडवोकेट प्रियदर्शी भटनागर, राम सहाय सैनी, महेश शर्मा मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में सेवा दल के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई और कार्यकारिणी के गठन को लेकर भी इस बैठक में शहर अध्यक्ष देशराज मेहरा के नेतृत्व में समीक्षा की गई। बैठक में सेवा दल के साथ ही कांग्रेस के विस्तार और उसके कार्यों को जन जन तक पहुँचाना, सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को भी आम जन तक पहुँचाने पर चर्चा की गई। देखिएगा, जिस तरह से पूरे राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के द्वारा सेवा दल के कायाकल्प का कार्यक्रम जो जारी है, उसको लेके सभी जिला स्तर तक प्रभारी नियुक्त किए, उसी कड़ी को लेके अजमेर संभाग के प्रभारी प्रियदर्शी भटनागर जी, महेश जी शर्मा जी और क्या नाम उनका, राम साय जी सैनी, ये अजमेर संभाग के प्रभारी नियुक्त किए गए। अजमेर शहर की कार्यकारिणी के गठन को लेकर, प्रदेश के पदाधिकारियों के नामों को लेकर, वार्ड स्तर तक के नामों का चयन करने के लिए एक सभी नेताओं से संपर्क करके एक अच्छे 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 नाम ले जाने के लिए ये लोग आए हैं। आज सभी नेताओं से मिलेंगे, हम सब कार्यकर्ताओं को भावनाएं जानेंगे, कौन काम करना चाहता है, प्रदेश में कौन करना चाहता है, जिले में कौन करना चाहता है। कोई भी आदमी स्वेच्छा से यदि सेवा दल में तन मन धन से काम करना चाहता, लगन से काम करना चाहता, उस कार्यकर्ता को मौका दिया जाएगा, किसी की सिफारिश का काम नहीं होगा। यदि कोई नेता चमचे अपने पर्सनल चहेते को सिफारिश करना चाहेगा, उसकी सिफारिश नहीं चलेगी। इन सब भावनाओं को लेकर आज ये सेवा दल की मीटिंग है, उसी को कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं ने मीटिंग आयोजित की। जिला मुख्य संगठक एडवोकेट देशराज मेहरा। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV न्यूज़, सच्चाई की वापसी।